नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे व्यूअर्स को। आज मैं आपके सामने इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में आई हूँ। यकीनन मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको कुछ टिप्स चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जाम्स अच्छे से करने के लिए, जो कि आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपके अंदर नई एनर्जी भर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका राइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अंजलि मुद्रा यानी कि इस मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि जिसको कि हम नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं। ये जो है, इसमें हम क्या करते हैं, हम दोनों हाथों को ऐसे हौले से रख कर नमस्कार करते हैं। और ये चीज़ तो हम सारा दिन में कई बार करते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं। यह हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का एक प्रतीक है, हम सबको नमस्कार करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल के यंगस्टर्स हाय और हेलो में जो है बिलीव करने वाले हैं, थोड़े से जो अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता को थोड़ा सा पीछा छोड़ रहे हैं। बट मैं उनको यही कहूँगी कि ये जो हमारी मुद्रा है, नमस्कार मुद्रा, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको नहीं मालूम इसके फायदे। ये जो है शिव और शक्ति, ये इसका मिलाप है। इस मुद्रा से हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं। जब भी हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, सबसे पहले उठ के हम क्या करें, हम अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे आपस में जोड़ें, बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और इसको अपने हार्ट चक्रा के पास लाके अपने दोनों हाथों को ऐसे हथेलियों से मिलाकर, अपनी पांचों दसों उंगलियों को इस तरह से हौले से मिला के इस तरह के पोस्चर में इस मुद्रा को बनाएं, नमस्कार मुद्रा। और उसके बाद हल्के से इसको प्रेस करें, ऐसे हल्के से इसको आप 10 बार 8 बार जितनी बार भी आप प्रेस करना चाहें उसको आप जो है हल्का सा प्रेशर दें। उससे क्या होगा, आपकी दोनों की दोनों जो एक तो पाम चक्रास है वो एनर्जाइज होंगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगे, शिव और शक्ति का मिलाप होगा और नेगेटिविटी का छू अंतर होएगा और पॉजिटिविटी आपके शरीर में रहेगी। आपकी सारी आपका जो सारा शरीर है जो इन धुरियों में चक्रों के ऊपर चलता है क्लॉकवाइज, वो आपका बैलेंस हो जाएगा। और क्योंकि ये हम हार्ट चक्रा के पास रखकर उसके बाद ये मुद्रा बनाते हैं, तो उससे क्या है, हमारा हार्ट और मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, एक तो एक ये जो था एक ये टिप था। और मैं आपको एक दो एक्सरसाइजेज और बताने जा रही हूँ जिनको आप फॉलो करिए, और क्योंकि एग्जाम्स के दिनों में हमें बहुत लिखना पड़ता है, जब हम बहुत लिखना पड़ता है, हम लिखते हैं तो हमारे हाथ दर्द हो जाते हैं, तो क्यों ना हम जब भी बच्चा समझदार हो जाता है या छोटा बच्चा भी होता है, अगर कंटिन्यूएशन में ये एक्सरसाइज रोज़ ज़रा देर के लिए करे, तो उसके जो हाथ की उंगलियां हैं और जो मसल्स हैं वो इस तरह की मजबूत हो जाएंगी कि उनको लिखने में ज़्यादा देर लिखने में परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है। ठीक है बच्चों, ये सब आप लोगों के लिए है, बड़े भी कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा लिखने का काम होता है वो लोग भी कर सकते हैं। आप अपना ये इस तरह से अपनी तर्जनी और अपने अंगूठे के बीच में इस तरह से पकड़ेंगे और इसको करीबन 10 बार या 8 बार जितनी बार भी आप सारी उंगलियों के लिए बराबर करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इसको दूसरी उंगली में ले जाएंगे, उसको और फिर इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप फिर इसको तीसरी उंगली में ले जाएंगे, उसके बाद इसको फिर से करेंगे रिंग फिंगर में ले जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद सारी उंगलियों में और अपने अंगूठे में इस तरह से करेंगे और करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, ठीक है, बस इतना सा आप रोज दोनों हाथों से करिए करिए, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, आप टीवी देखते टाइम कर सकते हैं, आप जो है पढ़ रहे हैं उस टाइम भी आपके हाथ आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या है, आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप जो है ज़्यादा देर लिख सकेंगे, आपकी मसल स्ट्रांग बनेंगी, और जो होता है ना मैम हमारे हाथ थक गए, मम्मी हमारे हाथ थक गए, वो नहीं होगा, और आपके अंदर ज़्यादा देर लिखने की, ज़्यादा देर फोकस रहने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, आपके जो है ये आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो मेरी एक ये टिप है, इसको बच्चों आप सब लोग किसी भी उम्र के बच्चे हैं इसको आप फॉलो करिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसका फ़ायदा लेने की ज़रूरत है, जो कि लिखते लिखते थोड़ा थक जाते हैं या फिर थोड़े से उनका ना उन जी चुराते हैं जो लिखने से, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।